अस्सलाम वालेकुम पब्लिक रिएक्शन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन आज मैं गल करन आई हाँ सिद्धू मूसेवाले के बारे च। सिद्धू मूसेवाला 28 साल का सी जो उन्हें जिंदगी इन्नी उड़ान पढ़ ली थी, इन्नी उड़ान पढ़ ली थी कि इंडिया पाकिस्तान ते दीगर ममालिक विच उहदा ना बन गया। वो इंडियन पंजाबी गाने भी गाँदा सी। मैं पंजाबी इस करके बोल रही हाँ कि सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गाने रैप करता सी। सिद्धू मूसेवाले नूं पढ़न लिखन तो इलावा गाने गाउण दा शौक सी ते उहदे घर वाले उहनूं फोर्स करदे सी कि तू पढ़, ते बट उह कहता सी मैं गाने भी नाल नाल गाने ने। कामयाबी की बुलंदियों को छूता हुआ सिद्धू मूसेवाला, उसको क्या पता था कि 28 साल की उम्र में उसका अपना ही गाया हुआ 295 गाना उसकी डेथ का दिन बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन उसकी मौत हुई है, जिस दिन उसको कत्ल किया गया है, 30 गोलियां मारी गई हैं जालिमों की तरफ से। जब तक वो गाने गा रहा था, जब तक वो इंडस्ट्री में था, तब तक तो मामला ठीक थे, लेकिन जैसे ही उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उसके मोदी के साथ ताल्लुकात कुछ ख़राब होने लगे। कांग्रेस की टिकट जीतने के बाद उसके हालात बिगड़ने लग गए और बड़े सारे लोग थे जो उसके ख़िलाफ़ हो गए, उसको तनकीद का निशाना बनाने लगे। आखिरकार उसकी डेथ से एक दिन पहले जब उसके ख़िलाफ़ सारा का सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था या चालबाजी की जा रही थी, एक दिन पहले उसे सिक्योरिटी तक छीन ली गई। सिक्योरिटी छीनने का मकसद कहीं ना कहीं ये था कि सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतारना था। सिद्धू मूसेवाले की डेथ के बाद बहुत से लोग हैं जिनके दिल टूटे, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम यतीम हो गए हैं और हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री है, इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री है, सिख कल्चर है, कहीं ना कहीं डूब जाएगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ ता ज़िंदगी कायम रहेगी। जब तक ये दुनिया है लोग सिद्धू मूसेवाले के गानों पर रैप करते रहेंगे और दिल टूटे आशिक उस पर टिकटॉक्स बनाते रहेंगे। देखते हैं कि आवाम का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, आया वो खुश हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और सिद्धू मूसेवाले के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फातिमा। मोहम्मद असीफ ज़ुल्करनैन। निदा। आदिल। निदा नूर। मोहसिन। सकीना। फातिमा क्या करते हो? मैं मैथ्स कॉम कर रही हूँ, BScS। अरे वाह, गाने शाने सुनते हो? हाँ। किसके सबसे ज़्यादा आप सुनते हो? AP के और सिद्धू के। अरे सिद्धू के पंजाबी गाने कैसा लगा आपको कल खबर सुन के सिद्धू मूसेवाले? बुरा लगा था, लाइक रात तो बहुत अजीब गुजरी वाकई में, उसकी जैसे उसकी डेथ हुई थी बहुत अजीब लगा था। सिद्धू मूसेवाले को सुना है कि मर्डर किया गया और 30 गोलियाँ मारी गई हैं, तो आपको क्या लगता है किसने दुश्मनी निकाली? मेरे ख्याल से वो कांग्रेस में भी था, आई गेस उसने किसी मूवमेंट को सपोर्ट किया था, तो उस वजह से मेरे ख्याल से उसको उसके साथ ये हुआ है। सही हुआ या गलत हुआ? बहुत गलत हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी वो सिर्फ 28 का था। इतना भी पता है कि अभी वो सिर्फ 28 का था। अच्छा, जब सिद्धू मूसेवाले का पहला गाना आया था वो आपने सुना था? पहला गाना सो हाई आई गेस था। हाँ, सो हाई। हाँ। और उसका जो आखिरी सॉन्ग था? आखिरी सॉन्ग उसके काफ़ी आए थे, मिस हो गए थे, लेकिन सुने सब है। लेकिन उसकी डेथ के बाद आपने पूरी प्लेलिस्ट निकाल के देखी? हाँ, मैंने तो अभी भी सुन रहे थे। अभी भी सुन रहे थे। अच्छा, उसका जो कोई फेवरेट गाना हमें थोड़ा सा सुना दें। उसका फेवरेट एक वो है, आपा दोनों जाने इकट्ठे किन्ने सोने लग दे आपा। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के लिए बड़ा फेवरेट था, वो हाथ पकड़ पकड़ के वीडियोस बनाई थी ना आप? नहीं नहीं, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। कुछ कहना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाले के लिए? बस बहुत बुरा फील हुआ उसकी डेथ का सुन के। बस जैसा कोई दोबारा आएगा? नहीं, आई गेस नहीं आएगा। उसके बाद AP है, लेकिन उसकी अपनी थी, जैसे उसने इंडस्ट्री स्टार्ट की थी अपने पंजाबी गानों से। आपके कितने दोस्तों ने सिद्धू मूसेवाले के स्टाइल को कॉपी किया? हम सब जितना फ्रेंड सर्कल है ना, सब पंजाबी गाने बहुत सुनता है। भंगड़ा शंगड़ा करते हो? हाँ। कैसे करते हो? अभी कैसे करूँ? अभी कैसे करूँ? लेट सपोज सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग लगा तो क्या करोगे? पहला रिएक्शन आप दोनों जाट इकट्ठे किन्ने सोड़े लग दे ना आले खड़के दा देखी किन्ने सोड़े लग दे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। फेवरेट तो पंजाबी सिंगर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सिद्धू मूसे का जो कल रात को एक इंसिडेंट के बारे में सुना है तो उस पर इंतहाई दिली दुख हुआ है, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग को या हमारे जो इस फोक म्यूज़िक को प्रमोट करने वाले कुछ ही चंद ही लोग रह गए जो पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं, और पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई लेजेंड अभी तक नहीं आया, लेकिन एक सिद्धू मूसे वाला था तो उस पर दिली दुख हुआ, इंतहाई दुख का है। निदा क्या करते हो? मैं यहाँ पे BS फिल्म एंड TV कर रही हूँ। उसके अलावा क्या करते हो? उसके अलावा कुछ भी। कुछ भी नहीं करना, बहुत बड़ा काम होता है वैसे। अच्छा, ये बताएं, गाने वगैरह सुनने का शौक है? जी बहुत।
बहुत। किस टाइम सुनते हो और कैसे गाने सुनते हो? वैसे तो मैं सारा दिन सुनती हूँ, और हिप हॉप, रैप और बीट्स, ट्रांसेस और इस तरह का थोड़ा म्यूजिक टेस्ट है। तो डांस वगैरह भी करते हो कि बस सुनते हो चुप करके? सुनती हूँ, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है उस तरह। अच्छा, सबसे अच्छा रैप किस सिंगर का लगता है? सिद्धू मूसे वाला, लेकिन नाउ ही इज नो मोर। सो तो कितना मिस करोगे सिद्धू मूसे वाले की आवाज़ को? नहीं, अब मुझे क्या लगता है पर्सनली कि 28 उसकी एज थी, वो अगले 28 साल भी काम कर सकता था, लेकिन ही इज़ गोन टू सून। वैसे तो लेजेंड ही था, तो बहुत अफसोस है, लेजेंड था तो अब तो नहीं रहा। तो जब आपने उसकी न्यूज़ सुनी तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? पहला क्या, मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने वीडियो देखी है ना, वैसे एक नहीं, दिस इज़ नॉट हिम। उसने वो अपनी पग जो भी होता है वो नहीं पहनी हुई थी, वैसे इट्स नॉट हिम, दिस इज़ नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर खैर आफ्टर दैट जब मैंने स्टोरीज देखी, ऑफिशियली पढ़ा, तो फिर मुझे पता चला कि ओके, ही इज़ नो मोर। मैं आप क्या सोच रही थी कि वो पॉलिटिक्स में गया तो उसकी वजह से लाइक ही गॉट किल्ड, और ये सब नहीं होना चाहिए था ना। पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए था, सिंगिंग तक रहना था। नहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कितनी गंदी पॉलिटिक्स है कि वो बंदा मरवा देते हैं उस पर। तो सुना है कि मोदी ने ये सब कुछ करवाया है कांग्रेस की टिकट जीतने के ऊपर, और एक दिन पहले उससे सिक्योरिटी ले ली गई थी, तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? मुझे तो यही लगा। एक तो 29.5 उसका एक गाना था, ऊपर से 29.5 को मरा, तो मुझे ये लग रहा है कि इट वॉज टोटली प्लान। ऊपर से एक दिन पहले आपने कहा विदड्रॉ किया उसकी सिक्योरिटी, तो लाइक इट वॉज अलाइंड आई थिंक। अच्छा, सिद्धू मूसे वाले का कोई गाना आपको आता हो या कोई टाइटल आप बता सकें? कौन से फेवरेट गाने थे उसके? डार्क लव, काली गड्डी और जड्डा मुकाबला, जो कि बहुत मशहूर गया था। और कौन सा ऐसा गाना है जिसके ऊपर आप टिकटॉक बनाती हैं बड़े शौक से? मैं टिकटॉक नहीं बनाती, लेकिन अगर बनाऊँ तो काली गड्डी आजकल बड़ा मशहूर है, वो विंडोज ने टिंटेड बिलो, वो लाइन लाइक मशहूर हुई हुई आजकल। कल परसों से मैंने लगाई हुई, आंखों से रोने ही नहीं जा रहा। मैंने पहले ही खबर मेरे तक पहुंच गई थी कि उसको मारने वाले हैं, इस वजह से मैं पहले से परेशान था उसके बारे में। आपको कैसे खबर पहुंच गई? इतना तो उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। चलिए आप देखें ना, एक इंसान के पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी सेवंथ सेंस। लोगों की सिक्स होती हैं, मेरे पास सात सेंस होती हैं, और मेरी जो सातवीं सेंस इतना वो मुझे बता रही थी कि कुछ होने वाला। देखें ना, एक दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटाने का क्या मतलब, आप खुद बताएं कि क्यों हटाई जा सकती है? यही वजह हो सकती है ना हटाने की, कि उसको कुछ ना कुछ उन्होंने को नुकसान पहुँचाना है। और मैंने देखा हमारे मीडिया के ऊपर माशाल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि वो एक गैर मुस्लिम था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर इस्लाम से आप निकाल दें किसी का ख्याल रखना और इखलाक को, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हम जानवरों के लिए इतना प्यार दिखा सकते हैं तो वो तो फिर भी एक गैर मुस्लिम है, तो गलत हुआ है। जी मीडिया एंड रिसर्च, तो मीडिया एंड रिसर्च के जो स्टूडेंट होते हैं बड़े रुखे रुखे होते हैं, आप भी ऐसी हैं? नहीं नहीं, फिर आप कैसी हैं? मैं मतलब फ्रेंडली हूँ। फ्रेंडली हैं। अच्छा, गाने वगैरह किस तरह के पसंद करती हैं? मूड पे डिपेंड करता है, मतलब जैसा मूड है वैसे गाने। सिद्धू मूसे वाले के गाने सुनती हैं? हाँ जी, सुनती थी, अब तो है वो, उसका मर्डर हो गया। गाने तो हैं ना उसके? गाने तो हैं उसके। अच्छा, आपको लगता है कि इसके जो गाने हैं वो लॉन्ग टर्म तक लोग सुनेंगे? हाँ सुनेंगे, क्योंकि उसके गानों में मतलब जो उस जो वो बात करता था वही उसकी मतलब उस साथ भी हुआ है। अब जो उसका मर्डर हुआ है वो भी उसके गाने गौर से सुने जाएँ तो उसके अंदर वो बातें की हुई हैं उसने। अरे डिफरेंट से गाने थे उसके, लड़ाई झगड़े वाले, गैंगस्टर वाले। अच्छा ये बताएं कि सिद्धू मूसे वाले का कोई सबसे अच्छा गाना जो आपको लगता हो? वही उसका एक काफ़ी फेमस हुआ वह गाना 295, वही एक है अच्छा गाना उसकी। उसका जो डेथ डेट है वो क्या है? वो भी 29 May 5। और उसकी एज क्या है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता है ये सब कुछ पॉलिटिक्स हुई है सिद्धू मूसे वाले के साथ? जी उसके साथ पॉलिटिक्स हुई, क्योंकि वो जो सिख कांग्रेस है उसका लीडर था, शायद पॉलिटिक्स की वजह से ही उसको मतलब मर्डर उसका हुआ, उसको मारा गया। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, जब भी कोई बंदा हाइप पे जाने लगता है तो उसके साथ यही क्यों होता है? मार दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है या कोई हादसाती मौत करा दी जाती है उसकी, उसको ऊपर नहीं आने दिया जाता, ये सब क्यों है? किसी की मतलब कोई अगर किसी हाई पोजीशन पे जा रहा है तो मोस्टली लोग नहीं ये चीज़ देख सकते कि वो हाई मतलब किसी की तरक्की नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ज़्यादातर किसी की। ये इंडिया में है या पाकिस्तान में भी है? पाकिस्तान में भी है। ये ज़्यादा कहाँ है? पाकिस्तान में, ये तो मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा है पाकिस्तान में भी। तो सिद्धू मूसे वाले की जब आपने खबर सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब आई वॉज शॉक्ड कि वाकई में मतलब वाकई में मतलब शॉक्ड था कि अभी कुछ टाइम पहले उसका एक गाना रिलीज़ हुआ था,
लेकिन अब कल उसका पता चला कि वो मर्डर हो गया उसका, उसको मार दिया है वो। जब आप स्टेटस देख रही थी तो आपने देख के ये तो नहीं कहा कि नहीं ये सिद्धू मूसे वाला नहीं है, कोई और है, झूठी खबर है? हाँ झूठी, ये कहा था कि झूठी खबर है, फेक हो सकती है क्योंकि ये लोग फेमस होते हैं, इन बारे में कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो लेकिन वो अथेंटिक न्यूज़ थी। जब बिलीव हो गया कि वाकई ये सिद्धू मूसे वाले की डेड बॉडी है, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? मतलब आई फील सैड कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, बुरा हुआ है, मतलब मारना नहीं चाहिए था। किसके गाने सबसे ज़्यादा शौक से सुनते हैं? सिद्धू मूसे वाला। हाय सिद्धू मूसे वाला, कैसा लगा सिद्धू मूसे वाले की डेथ न्यूज़ सुन के? बड़ा दुख हुआ है, यकीन करें सारी रात नहीं सोया मैं। सारी रात नहीं सोए, सारी रात उसकी प्लेलिस्ट लगा के देखते रहे, सुनते रहे? वो पहले भी मेरी प्लेलिस्ट में 295 उसका गाना है, रोज़ मैं रात को लगा के सोता हूँ वो। 295 जो उसका गाना है और उसकी जो डेथ डेट है 295, दोनों सेम है, तो उसको पता था कि मैंने इसी डेट पे इस दुनिया से चले जाना है? नहीं पता तो नहीं था, खैर उसने जितने पंगे लिए हुए थे बंदे को अंदाजा हो ही जाता है। कौन से पंगे लिए थे उसने? यही पंगे जो हर गानों में जो है, वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मार धाड़ वाले सारे गाने थे। हमारे तो जितने भी बदमाश जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बदमाश वगैरह हैं उनको तो यतीम कर गया, मतलब जो कोई लड़ाई वगैरह जो कुछ होती थी उसी का गाना लगता था। लोग बड़ा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं सिद्धू मूसे वाले को, तो जब तक वो जिंदा था तब तक उसकी वाह वाह थी, और मरने के बाद तनकीद हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं जी कोई तनकीद नहीं, हमारे लिए तो भाई हीरो था और हीरो है, जितने थोड़े समय में उसने जो है तरक्की की है किसी ने भी नहीं की। अभी उसे इंडस्ट्री में आए 3 या 4 साल हुए हैं, लेकिन उसका फेम देखें, मैं कहता हूँ बड़े बड़े स्टारों को पीछे छोड़ गया। आज किस कौन, आप किसी गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, कहाँ नहीं सिद्धू मूसे वाले के गाने सुने जाते यार। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सिद्धू मूसे वाले का आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? गेम। गेम तो थोड़ा सा गेम सुनाए। गल्ला सब सच वीरे जो जो तू कीतियां, तू ते बस कीतियां ने मेरे नाल बीतियां, जिदे नाल बैदे साले ओनू डंग मार दे आ, बुक्कलां च खेड दे आ, सप्पां दियां नीतियां, इक सीगा टाइम लोकी ताने सीगे कस दे, मिडल क्लास मुंडा मैनू सीगे दस दे, पैसे नाल जज कर देसी गया औकाता नू, शक्लू नी सोना बई आके सी हस दे, मैं क्या बई ओ तू गेमां वेखी पैंदियां, करदा जो गल्लां ए सदा नहीं हो रहिंदियां, जुरत चाई दी जंग जिंदगी दी जितने नू बल्ले आ, मकाम ए ते शक्लां नी लेंदियां, ओई ओई गल रीत दुनिया दी चेंज होई, पल सीगा सैकल ते सैकल तू रेंज होई, मारदी है गल्लां साली दुनिया ता वेली है, हुण देख जीटी रोडी उत्ते किले च हवेली है, देख माड़ा टाइम तेरा दिल का तू गटदा, टाइम नहीं दौरे आया मूसे वाले जट दा, जदों आई वारी तेरी आपे के गावेगा, जिन करे रब उत्ते ओह पिछे कदों हटदा, बदलांगे दौरे ओ तू गल केड़ी कही है, वेख अज गबरू ने दूर कड्डी पई है, दुनिया दे कान मैं ता कल्ला ही बवाल सी, किस्मत हो गए पदो हुण ते। अरे वाह सिद्धू मूसे वाला रहे ना रहे, लेकिन सिद्धू मूसे वाले के गाने हमेशा जिंदा रहेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑब्वियसली वेरी सैड, आई हर्ड के ही वाज शॉट डेड, तो जाहिर है माय सिंपैथीज विद हिज फैमिली। मेरे भी आपको लगता है कि इतनी जल्दी उनको इस दुनिया से जाना चाहिए था? अभी उनकी एज जस्ट 28 ईयर्स थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो वन डिजर्व्स टू डाई इस तरह से। और इस तरह से मतलब एक अच्छा सिंगर थे, अच्छे गाने वाले थे और अच्छी पॉलिटिक्स में भी अब आ रहे थे वो, तो अचानक से ये सब क्या हुआ? पता नहीं, आई गेस अब व्हेन यू इमर्ज किसी तरह से आप ऊपर आते हो तो आपके हेटर्स भी बढ़ते ही जाते हैं, तो नेचुरल है कि ज़्यादा बढ़ गया होगा हेट्रेड किसी से। जी तो नाज़रीन आपने देखा हमारे आज का PRS का शो, सिद्धू मूसे वाले के ऊपर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा भी थे, लोगों ने सिद्धू मूसे वाले के गाने और रैप भी हमें सुनाए और कहा कि जब हमें ये खबर मिली थी तो हमें यकीन नहीं आ रहा था, हम लोगों ने अगेन एंड अगेन एंड अगेन न्यूज़ देखी कि ये बिल्कुल सच है कि सिद्धू मूसे वाला इस दुनिया में नहीं रहा, और लोगों का ये भी कहना था कि सिद्धू मूसे वाला सिंगर जैसा सिंगर अब दोबारा पैदा नहीं हो सकता, वो एक ही था और उसकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। नाज़रीन बड़ा गलत हुआ है, सिद्धू मूसे वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा अलमिया ये बन चुका है कि जब भी कोई सिंगर एक्टर या कोई भी पॉलिटिशियन हाइप पे जाने लगता है तो उसकी टांग खींच दी जाती है या उसे मर्डर कर दिया जाता है, जैसे कि माजी में देखा जाए तो बहुत से लोगों को निशाना बनाया गया टारगेट किलिंग का, और अब सिद्धू मूसे वाले को भी निशाना बनाया गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदा हक रखता है तरक्की का, और जब वो तरक्की की बुलंदियों को छूने लगता है तो उसके साथ यही होता है, और ये एक ट्रेंड बन चुका है।
तो बड़ा गलत है। और हम ये चाहेंगे कि जो लोग इस सब में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाए, ताकि अगली कोई ऐसी हरकत करने वाला 100 बार सोचे। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सिद्धू मूसेवाले का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है। बाय।